हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज के ज्योग्राफी के दूसरे क्लास में हम अब सबका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं। आज चार ही स्टूडेंट हैं क्योंकि कुछ कारण से दूसरे स्टूडेंट नहीं आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर क्या लिखा है जी? लगने वाला सूर्य के चारों चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। सही एकदम। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? 89। सही है। निम्न निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। निम्नलिखित में कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह नहीं है, शनि होगा जो खुद क्षुद्र ग्रह से बाहर है। सीधा दिमाग रखिए, पार्थिव जो ग्रह है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। हाँ, चार गो। बस चार गो उधर हो गया पार्थिव में। चलिए, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है? शनि, अरुण, वरुण, मंगल। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, जैसे भी पार्थिव ग्रह बताए थे ना, उसी तरफ बृहस्पति ग्रह तरफ उधर तरफ का है। तो बता कौन वाला शामिल ने है? मंगल। हो गया, सही है सर। निम्नलिखित में किस दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ऑप्शन दे दीजिए। बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण। वरुण है अरुण। यूरेनस बोलो, यूरेनस। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कोपरनिकस। नहीं नहीं नहीं, सूर्य को। रिपब्लिक क्या बोल रहा था? सही, बहुत बढ़िया, सूर्य को। तो दिमाग तो आया है कि नहीं? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? अभिनव तारा। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस। निक्स क्या बोलता? कोपरनिकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ग्रह नहीं है, सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक कौन सा गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। सही है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन। अधो मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, समताप मंडल। ऊपर भाग ना सर, वर्ण मंडल। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि एक पश्चिम से होकर पूर्व की ओर जाता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? दिखाई देता है दिन, मतलब कौन सा तिथि बताना है? 21 जून। एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपसौर। और न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन। और हमको लगा तुम उपसौर बता गए। तो इसका ऑप्शन है उपसोर, अपसोर, अपोजी, पेरिजी। उपसोर होगा। सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का ऑप्शन दीजिए तो सर। भूमध्य सागरी क्षेत्र, भूमध्य राखी क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, जापान के पूर्व के क्षेत्र। भूमध्य सागरी क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा, सूर्य काला जो प्रकाश उत्पन्न करने में असमर्थ है। करदा दिए जी। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? 71। निम्नलिखित में कौन एक तारा है? एक तारा है सूर्य। इसके पहले का जो आंसर होगा वो 71% होगा, जो गल मतलब सही बोला लेकिन साउंडली नहीं बोला, परसेंटेज नहीं।
नहीं सही बोला बट साउंडली नहीं बोला, सुनाया कि नहीं पता नहीं दर्शक। और अगर आप लोग को नहीं सुनाई देता है तो आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा कि इसका आवाज सुनाई नहीं देता है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य बोले सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? सूर्य तो वरुण है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य ने धरती पड़ने से 8.3 मिनट। इसको कहता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? निकट ये बुध। कौन सा ग्रह सूर्य के परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है? बुध। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? बुध में। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन सा ग्रह है? बहुत खतरनाक इम्पोर्टेंट है। उपग्रह नहीं है सर। हाँ कोई उपग्रह नहीं है। कौन सा दो ग्रह है? बुध और शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति, शुक्र और शनि, शुक्र और मंगल। बुध और शुक्र। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में करता है? बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने लग रहा है? बुध। निम्नलिखित में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध की। निम्नलिखित में किस ग्रह का अक्ष झुकाव सबसे अधिक है? बुध का। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? शुक्र। निम्नलिखित में किस ग्रह को पृथ्वी का भाग्नि ग्रह कहते हैं? शुक्र को। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले क्लास में इसी तरह मिलते रहेंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, होशियार बनिए। और क्या किसका साउंड सुनाई नहीं देता आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और किसका प्रदर्शन सबसे बेस्ट लगता है ये भी बात मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।